लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। ट्राली से ऊपर धान की बोरियां भरकर सड़कों में तेज रफ्तार से दौड़ रहा ट्रक। अभनपुर के जोंदा भाटा धान संग्रहण केंद्र में आने वाले ट्रकों से लोगों को खतरा है। आपको बता दें कि जोंदा भाटा धान संग्रहण केंद्र में दूर दराज से ट्रकों से धान की आवक जारी है। वहीं आने वाले ट्रकों में ट्राली से ऊपर धान की बोरियां भरा हुआ होता है और सड़कों में अत्यधिक तेज रफ्तार से दौड़ते देखा जा सकता है। संग्रहण केंद्र में आने वाले प्राय सभी ट्रकों में ट्राली से ऊपर धान से भरे बोरे रहते हैं, जो कि सड़कों में गिरने की संभावना रहता है, जो कभी भी दुर्घटनाओं को अंजाम दे सकता है। इस संबंध में जौंदा भाटा धान संग्रहण केंद्र के सहायक प्रबंधक कांसी राम नायक से जानकारी चाही तो उन्होंने ट्रकों में ट्राली से ऊपर बोरे पर कहा कि अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं हुआ है और इसकी कार्यवाही आरटीओ से होने की बात कही है। इससे साफ जाहिर होता है कि संबंधित अधिकारी आने वाले ट्रकों पर ट्राली से ऊपर भरे बोरे जो सड़कों पर गिरने और दुर्घटना होने से ही कोई कदम उठाएंगे। क्लिपर 28 के लिए अभनपुर से दीपक वर्मा की रिपोर्ट। नहीं, ओवरलोडिंग आता है ये तो हम क्लियर नहीं समझ पाते। वो जो उनका पासिंग है आरटीओ से जारी होता है और अपनी लोडिंग जो उनका पास जारी है उसी हिसाब से लोड करके लाते हैं, ऐसा मतलब हमें जानकारी है उसका। ये ट्राली से ऊपर आता कभी देखा गया क्या? नहीं, धान की ट्रकें तो ट्राली से ऊपर भर के ही लाते हैं और चूंकि धान के बोरे जैसे सीमेंट वगैरह बोरे हैं उसका वजन ज़्यादा रहता है, वो ट्राली के बराबर का रहता है, लेकिन धान के बोरे साइज में थोड़ा सा सीमेंट बोरी की अपेक्षा बड़े होते हैं, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से ट्राली के ऊपर आ जाता है। वो नहीं, नहीं ऐसा अभी तक इतने साल से अपन धान का काम कर रहे हैं ऐसी धान की गाड़ियों से कोई अप्रिय घटना होगी ऐसा कोई चीज़ प्रकाश में नहीं आया अभी तक। और मुझे तो अभी इस पड़ में ही 2 साल हो गया और 2 साल तक ऐसी कोई समस्या अभी तक परिलक्षित नहीं हुई है। जी, काशीराम नायक, सहायक प्रबंधक, जमुना भाटा। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। क्लिपर 28।